बहुजन संघर्ष समिति की ओर से भव्य किसान रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में राष्ट्रीय किसान नेता राजेश टिकैत, साथ ही पूर्व मंत्री सुनील केदार, बहुजन संघर्ष समिति के संयोजक नागेश चौधरी एवं अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों से जुड़े मुद्दों से लेकर निजीकरण, राजनीति एवं अन्य समस्याओं पर संवाद साधा है। भव्य किसान रैली को संबोधित करते हुए राजेश टिकैत ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। किसानों से जुड़ी समस्याओं पर बोलते हुए कहा कि किसानों को संगठित होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन का जरिया अपनाना चाहिए। साथ ही टिकैत बोले, आज मैं नागपुर में आया हूँ, ये वो जगह है जहाँ से पूरे देश की राजनीति चलती है, जो आदेश निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। इसके साथ ही आरएसएस पर कड़े शब्दों में टिप्पणी भी की है। सरकार अपना काम कर रही थी, हम कोई विचारधारक नहीं उसके कि उनके विचारधारक थे, लेकिन जो हुआ वो सबने देखा, चुनी हुई सरकार को कैसे तोड़ा गया वो सबने देखा। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हुआ कि जो लोग 30,000 से जीते हुए लोग थे उनको कहा कि आप जाओ, जो अपनी गिनती पे थे जब वहां पे, कि आप जाओ, ऊपर से आदेश है और ये कहा है कि इनको सुरक्षित घर तक पहुंचा दो, आपके और आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है। तो कितनी बड़ी दहशत है, क्या तलवारों के बल पे राज करना चाहते हैं? 30,000 से जीतते हुए कैंडिडेट को गिनती से हटाकर घर भेज दिया पुलिस की कस्टडी में कि आप पे हमला हो सकता है, और वो लोग छोड़कर चले गए, दूसरे कैंडिडेट को 2,000 वोटों से जिता दिया। हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम किसी के साथ नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम आगाह करते रहे कि जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको गिनती पे जाना है, एक विधानसभा पे 100 ट्रैक्टर और 1,000 आदमी अगर आपके पास में होंगे तो गिनती हो जाएगी, नहीं तो हारोगे। और अगर फिर भी ना समझे भाई, हम कोई उनके एडवाइजर तो है नहीं, क्योंकि हमको ये लगता है कि देश में अगर विपक्ष कमजोर होगा, जो पार्लियामेंट और विधानसभा में आवाज उठाएगा, तो देश के लिए घातक होगा। और जब जब भी जिस कंट्री में, जिस देश में विपक्ष कमजोर होगा तो वहां पर तानाशाहों का जन्म होगा, और देश में तानाशाहों ने जन्म ले लिया है। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों को उनकी पार्टी के लोगों ने सिंबल दिया कि जाके अपना पर्चा दाखिल कर दो, लास्ट टाइम पे वो पर्चा दाखिल करने डीसी के ऑफिस में नहीं गया, बीजेपी के मुख्यालय में गया और पर्चा मार दिया कि जिससे कैंडिडेट को दूसरा भी ना भर सके। तो इतनी दहशत गर्दी का माहौल अगर देश में है तो क्या होगा? ये दिल्ली में आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चला, बहुत लोगों का इसमें योगदान रहा, हमारे संत महापुरुष हिस्सेदारी, बड़ी हिस्सेदारी उसमें रही। इस दौरान पूर्व मंत्री सुनील केदार बोले कि जब कृषि कानून रद्द करने के लिए जो आंदोलन शुरू था, तब आंदोलन में शामिल होने की मेरी मंशा थी, लेकिन तब राज्य में हम सत्ता में थे, पार्टी को देखते हुए मैं आंदोलन में शामिल नहीं हो पाया हूँ। टिकैत जी, मैं जब आपका आंदोलन चल रहा था, हम सरकार में थे तो पवन सरकार थी, मैंने भी मंशा जाहिर की थी, पर कुछ कारणवश पार्टी और सब देख के मैं आ नहीं पाया, आपके आंदोलन में शरीक नहीं हो पाया। पर कई बार मैं अपने भाषणों में एक चीज जरूर बताता हूं, हम किसानों ने इस देश को संवारने के लिए जो किया है, इसके लिए हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
ना ही किसी ने हमारे बारे में बहुत किताबें ऐसी भी जरूर नहीं है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई हमें एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। हम सब जानते हैं, दुर्भाग्य है इस चीज को लोगों का एहसास नहीं करा देते। ये देश जब आजाद हुआ था तभी इस देश की आबादी करीबन 30-32 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मेरे पास जो फिगर से वही है, 30-32 करोड़ कितनी 34 एक दो आगे पीछे, मतलब मेरी जो फिगर है 32-32। तब इस देश के लोगों को खाने के लाले पड़ते थे, तब इस देश के लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना मिलना बहुत दूर दूर तक बात रहती थी। तब के प्रधानमंत्री जी ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अमेरिका से अनाज मांगा था, मिलो, हमारे इधर मिलो बोलते हो, लाल रंग का गेहूं था मोटा वाला, मैंने देखा, पर काफी लोग बोलते हमने देखा है। और लाने के बाद इस देश के आबादी को उस मुहैया कराया और उस टाइम लोगों के इस देश के लोगों की जान बचाई। 75वां साल हम देश की आजादी का मना रहे, बड़े बड़े नेता, देश के बोलो या गांव के नेता जश्न मना रहे, हर अपने अपनी वीर गाथा गा रहे, पर सबसे बड़ी वीर गाथा जो गाना है तो किसान का गाना चाहिए, क्योंकि 75 साल पहले 32-34 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था और 75 साल के बाद 140 करोड़ की आबादी होने के बाद हमारे पास अनाज रखने के लिए आज व्यवस्था कम पड़ती है। पूरे दुनिया में एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री करके माना जाता है। पीके जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, हम जब हम सरकार में थे, कोरोना शुरू, हमारे सरकार में कोरोना शुरू हो गई 2020 में मार्च में, तब तक का पूरा विपजन, जब हम लोग 2021 के बजट को जब गए तो स्टेट के बजट में इनकम साइड के बारे में जब फाइनेंस मिनिस्टर जो अजीत पवार के पास था डिस्कशन हुआ, उसमें जो फिगर्स हमारे पास बाहर आई और फिगर्स के तहत ये वहां पे हमें सबको बता दिया और सबको मालूम हो गया कि सारे सेक्टर्स बंद थे, सर्विस सेक्टर बंद था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद था, वहां से इनकम तो आना ही नहीं था क्योंकि सेक्टर नहीं बंद था, और जो भी कोरोना में इनकम साइड है दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइड। तो कोरोना के साथ भी न रुकने वाला सेक्टर कौन सा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि ये सारी चीज हमारे आगे है, उसके बावजूद दुर्भाग्य, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सरकार वो सरकार, पर दुर्भाग्य यही है कि इस देश में किसानों की तरफ देखने का वो नजरिया आज भी नहीं है जो उनका हक बनता है। इसके साथ ही टीके द्वारा इस सभा में उपस्थित कई संगठनों को उन्होंने कहा, मैं उनके आंदोलन में उनका हमेशा साथ दूंगा, अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन जारी रखें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।